नमस्कार, आर एस की तैयारी के लिए फिर से आ जाते हैं। हम बात करेंगे चोकला की। चोकला क्या है, क्वेश्चन आ जाता है। चोकला भेड़ की एक नस्ल है। यह नस्ल राज्य के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में पाई जाती है और यह नस्ल अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो भेड़ होती है उससे काफ़ी अच्छी ऊन मिल जाती है और इसे चोकला नस्ल की भेड़ कहा जाता है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाद में आता है हमारा क्वेश्चन, कुंडा खोह क्या है। कुंडा खोह, KUNDA KHOH, कुंडा खोह नामक पानी का प्राकृतिक चश्मा शाहबाद किला कोटा के नीचे स्थित है। यहाँ अद्भुत किस्म की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न है नालियासर। नालियासर पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सांभर के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ की गई खुदाई के ध्वंसावशेष जो बचते हैं, अवशेष उसे कहते हैं, से झील की स्थिति और इसके निकट बसी आबादी की संस्कृति का पता चलता है। यह जयपुर के म्यूजियम और आमेर के दलाराम बाग में सुरक्षित है। बिसरा सर क्या है। बिसरा सर यह बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर स्थित राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की जिप्सम उत्पादन करने वाली कंपनी भारत की सबसे बड़ी जिप्सम कंपनी है। राजस्थान के आरएस के जो मेंस क्वेश्चन हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हमेशा अपने वीडियोस में देने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। और यदि आपका पैशन है आरएस तो आप निश्चित रूप से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको इसमें बहुत सारे आरएस लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उनसे मैंने टिप्स लिए हैं वो सब मैं आपको समय समय पर बताती रहती हूँ। आपके जो साथ के आरएस लोग कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी क्योंकि मेरा भी एम यही है कि आप आरएएस बने और यदि आप बन जाते हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं हम सरिस्का के बारे में। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, वैसे आपको सबको पता है बट ये अलवर के समीप अरावली की श्रृंखला से घिरा है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नीलकंठ महादेव का मंदिर, लोक देवता भृतृहरि की तपोस्थली और पांडुपल स्थित हैं। सारे 5-6 क्वेश्चन इस एक ही बात में आ रहे हैं, एक ही लाइन में। आप सारे क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान कर लीजिए, इसके क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता माता अभ्यारण्य। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह अभ्यारण्य सागवान बांस मिश्रित वनों की देश में उत्तर पश्चिम सीमा है। यह अभ्यारण्य एंटीलोप प्रजाति के दुर्लभतम जीव चौसिंघा और उड़न गिलहरी का क्वेश्चन बहुत मेन है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए क्या प्रसिद्ध है, सीता माता अभ्यारण्य। क्वेश्चन है सोनाड़ी क्या है। सोनाड़ी भेड़ की एक नस्ल है जिसे चणोथर भी कहते हैं। यह नस्ल राज्य के दक्षिण पूर्व में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। पीपा जी का बाघ क्या है। पीपा जी का बाघ झालावाड़ के निकट। पीपा जी का बाघ प्रकृति की सुंदर छटा का मनोरम स्थल है। इस बाघ के नीचे काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। प्रश्न है बनास घाटी का मैदान। इसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, पश्चिमी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के जिले आते हैं। यह भाग काफ़ी उपजाऊ और हरा भरा है। प्रश्न है राजस्थान में ऊँट की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं। पहली है बीकानेर, दूसरी कच्छी, तीसरी अलवरी, चौथी केरू, पांचवी पाल, जैसलमेरी, गुढ़ा, नाचना, गोमठ और जोधपुरी। ये सब ऊँट की नस्ल हैं। प्रश्न है ऊन परिक्षेत्र। राजस्थान में ऊन आधारित औद्योगिक गतिविधियां तेज करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में 2 ऊन परिक्षेत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई है। ये ऊन परिक्षेत्र
बीकानेर अजमेर जिलों में स्थापित किए जाएंगे। क्योंकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन होने से देश में उत्पादित कुल ऊन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग। मरु त्रिकोण क्या है? जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हर कहीं से कोई क्वेश्चन उठा के आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा और यदि आप फॉलो करते हैं निश्चित रूप से आपको आरएस क्लियर करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है आपसे। सारे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से अब मेरा पूरा ध्यान आरएस पर ही है। राजस्थान में मरु त्रिकोण की बात चल रही है। राजस्थान में पर्यटन की दशा और दिशा दोनों, क्या दशा और दिशा दोनों सुधारने के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 1992 में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, तीनों जिले कहाँ कहाँ स्थित हैं आप ध्यान कर लीजिए, तीनों को किसकी संज्ञा दी है? मरु त्रिकोण की संज्ञा दी है। मरु त्रिकोण की संकल्पना ने मरु क्षेत्रों की ओर पर्यटकों को आकर्षित किया है। प्रश्न है सोनू क्या है? सोनू क्षेत्र राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। यह पीले रंग का उत्तम किस्म का लाइमस्टोन है। क्षेत्रीय बायोगैस संयंत्र क्या है? प्रश्न है क्षेत्रीय बायोगैस संयंत्र क्या है? राजस्थान में क्षेत्रीय बायोगैस संयंत्र की स्थापना उदयपुर में की गई है। इस केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बायोगैस कार्यक्रमों के लिए तकनीकी युक्त संस्थापन क्षमता तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है। बायोगैस से रिलेटेड है और साथ ही तकनीकी, बस दो चीज़ें ध्यान रख लीजिए, ये उदयपुर में स्थित है। मुर्रा क्या है? मुर्रा राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। इस नस्ल की भैंस एक समय में 10 से 12 किलो तक मिल्क देती है। यह नस्ल प्रमुखतया राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में पाई जाती है। राजस्थान के मैप का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, मेरा नेक्स्ट टिप ये है आपके लिए। बस एक आपको मैप लेना है सिंपल, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 लिख करके जिलों का ध्यान कर लीजिए, आप लर्न हो जाएंगे। और नदी का एक आप बस वहाँ से लाइन खींचते हुए ऊपर से आप राजस्थान के मैप में लाइन खींचेंगे। मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगी सारा मैप में कैसे है राजस्थान के जिले कहाँ हैं, नदियाँ कैसी हैं, वो सब मैं आपको टाइम टाइम पे अपने टिप्स देती रहती हूँ, आप उन पर पूरा ध्यान दीजिए। यदि आप हमारी एक एक टिप्स को फॉलो करते हैं, उनमें से आप 90% टिप्स को भी फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका मेंस बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और आप सुनते रहिए क्वेश्चंस को, सुनना भी सीखना है। मेरी ये टिप भी अच्छी है, आप ध्यान करिएगा कि सुनकर भी हम कुछ सीख सकते हैं, लिख कर सीख सकते हैं, बोल कर सीख सकते हैं या पढ़ कर, चार तरीके होते हैं सीखने के। तो आप यहाँ सुनकर सीख रहे हैं। हमारा प्रश्न है सांचौर। सांचौर तहसील जालौर जिले में स्थित एक कस्बा है जहाँ से सरस्वती सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर और औरंगजेब का मंदिर स्थित है। औरंगजेब का मंदिर कुछ डिफरेंट है, आप ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आता है अपना गांव अपनी नाड़ी योजना। अपना गांव अपनी नाड़ी, यह राजस्थान सरकार ने राज्य में जल स्रोतों की अल्पता को देखते हुए उक्त जल स्रोत संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य जन सहभागिता की मदद से जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। इसके अंतर्गत नाड़ी यानी तालाब बनाने का खर्चा राज्य सरकार और ग्रामवासी दोनों मिलकर के क्रमशः 90:10 के अनुपात में जुटाते हैं। प्रश्न है सलादीपुरा क्या है? सलादीपुरा सीकर जिले में स्थित एक गांव है। यहां पर बड़ी मात्रा में पाइराइट्स के भंडार पाए जाने के बाद इस क्षेत्र में गंधक अम्ल, तेजाब और उर्वरक उद्योगों की स्थापना हुई है। कहाँ पर? सलादीपुरा सीकर में। बिल्कुल आप ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मरु अनुसंधान केंद्र
भारत सरकार द्वारा स्थापित मरु अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। इस केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रोकने के उपाय से संबंधित शोध करना, यानी खोज करना, यानी रिसर्च करना है। BADP क्या है? BADP सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फुल फॉर्म है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट।